हेलो, कहाँ पे हुआ है ऑपरेशन इसका? अच्छा, अभी आप लोग कहाँ से आ रहे हो? चंडीगढ़ और लुधियाना। लुधियाना से आ रहे हो आप? कहाँ जाना, कहाँ है आपने? पीजीआई चंडीगढ़। आप इसी साइकिल पे आए हो? अच्छा, कितने बजे चले थे आप लोग? हम लोग 1 बजे। अच्छा, 1 बजे चले थे। बच्चे की रिपोर्ट है आपके पास? बच्चे की रिपोर्ट दिखाना, दिखाना बच्चे को थोड़ा सा। आप लोग इसी साइकिल पे आए हो लुधियाना से? हाँ जी, साइकिल पे। ओके ओके, रिपोर्ट निकालो। आप लोगों को एम्बुलेंस करके नहीं थी किसी ने? जी नहीं, कौन पैसे मांग रहा था? कोई एम्बुलेंस वाले ना, बोले 3,000 रुपया लेंगे, तो हमें पास है नहीं। अभी हमें 20-30 हज़ार रुपया लगा के 24 तारीख को गई हुई है चंडीगढ़ से। अच्छा, चंडीगढ़ आप लुधियाने से चंडीगढ़ गए थे? जी, चंडीगढ़ से लुधियाना। अभी आपने एम्बुलेंस को फोन किया था तो क्या कह रहे थे एम्बुलेंस वाले? पैसे मांग रहे थे। पैसे मांग रहे थे। अच्छा, एम्बुलेंस वाले। बच्चा कितने साल का है आपका? 3 साल का है। 3 साल का बच्चा है। इसका ऑपरेशन, जो ये पट्टी दिखा रहे हो आप, कब हुआ था इसका? इसका हुआ था 15 दिन हो गए। 15-20 दिन हो, 20 दिन मान के चलिए। अच्छा, ये पीजीआई की रिपोर्ट है। अच्छा, आपने वहाँ पे किसी से कहा नहीं प्रशासन को कि हमें वहाँ पे जाना है पीजीआई? नहीं, वहाँ तो मैंने नहीं कहा। ओके, चलिए ठीक है। अभी एम्बुलेंस आ रही है जी। हमारे राम जी गुड्डू है। कहाँ से आए हो? लुधियाना से। कहाँ पे जा रहे हो अभी? पीजीआई में। किस चीज पे जा रहे हो आप? साइकिल पे। क्या प्रॉब्लम क्या आई है अभी? प्रॉब्लम अभी तो मैं रास्ता पूछ रहा था भाई साहब से। नहीं, पीजीआई जा रहे हो, किस क्या प्रॉब्लम है आपको? बच्चे की प्रॉब्लम बताओ ना। बच्चे की प्रॉब्लम, वो ऑपरेशन हुआ है, टाका खुल गया, उसी के लिए जा रहा था। डॉक्टर से मैंने पूछा हूँ भाई, पीजीआई से हुआ था ऑपरेशन? जी। कितने साल का है बच्चा? 3 साल। की नाम है जी अपना? मेरा नाम अर्शदीप कुमार है जी, तो समराला वासी हाँ मैं। असी इतों लंघे जा रहे थे, तो इतने इस जगह पर व्यक्ति बैठा से, उन्होंने वाइफ से, तो कोल बच्चा से, वो रास्ता पुछ रहे थे पी जी आई का। तो जो उसनों असी पूछा कि हाँ वीरे तुम पी जी की कर जा रहे हो, तो वह बोल रहे कि मेरे बच्चे का ऑपरेशन होया। मैं लुधियाने तो साइकिल पर आया कि मैं पी जी आई जाना, तो सुन के असी हैरान हो गए जो देखा बच्चे का ऑपरेशन होया। असी उधर टांके लगे हुए जी, तो वह बंदा अज दोपहर का चलिया होया, वह समराले पहुंचा, साइकिल पर लुधियाना पी जी आई जा रहा अपने बच्चे लैके। तो उसने लुधियाने एम्बूलेंस का पता कर, एम्बूलेंस वालू कहा कि हाँ मेरा बच्चा बीमार है, मैं पैसे नहीं दे सकता, परदेसी बंदा है रिक्शा चलाने वाला। तो एम्बूलेंस वाले ने उन्हों तो 4500 रुपया मंगया, वह कहता मैं नहीं दे सकता। इस करके वह अपने बच्चे लै गए लुधियाने तो साइकिल पर ही आ रहा है। तो असी राहगीर करके एम्बुल समराले सतीश कुमार डीसी एम्बूलेंस वाले उन्होंने फोन मारिया, जो कि टाइम पर आए, उन्होंने एम्बूलेंस में पी जी आई लैके गए। कि वो कोई पैसे लैन गए कि नहीं जी, वो फ्री सेवा कर रहे हैं। आ लॉकडाउन के चलते हुए कोई किसी भी गरीब परिवार को किसी भी तरह की एम्बूलेंस की मदद है तो वो फ्री करते हैं जी। की नाम है जी अपना? मेरा नाम सतीश कुमार जी, मैं समराले एम्बूलेंस चला जी, मेरी अपनी एम्बूलेंस आ। ये बच्चा सी ये साइकिल ते लेके जा रहे सीगे चंडीगढ़ नू पीजीआई नू जी, साइकिल दे उपर लुधियाने तो आए। पता लग्या जी ये अपने राहगीर जा रहे सी, कोई उन्होंने मेरा उन्होंने को नंबर होगा मेरा, उन्होंने मैनू कॉल की भी इदा इदा करके भी बच्चा हैगा या उन्हूं साइकिल ते पीजीआई नू लेके जा रहे ने, भी लुधियाने तो आ रहे ने। फिर मैं उस टाइम अपनी एम्बूलेंस लैके, ठीक है, असी हुण इहनू अपने पीजीआई छड्ड के आवांगे, कोई असी पैसा नहीं लवांगे। असी जिहड़ा इदां दा पेशेंट हुंदा असी फ्री सेवा करदे आ।